बीर बाजी एक बात बताइए कि अभी इलेक्शन भी नजदीक है, तो ये शिकंजा 5 साल से जो नहीं कसा गया था, अभी शिकंजा सीबीआई से या मूर्तियों के उससे क्यों बहुजन समाज की सुप्रीमो मायावती के ऊपर कसा जा रहा है? देखिए, ये उनकी मनवादी सोच है जी। और इसका अगर वो सोचते हैं कि मैं इससे कोई शिकंजा कहा जाएगा, जी इससे बहुजन समाज पार्टी मजबूत होगी, कमजोर जी नहीं होगी। जी जी जहाँ तक वो मूर्तियों का प्रश्न उठता है, जी आप देखिए मूर्तियों से तो सरकार को अभी भी मतलब इनकम हो रही है, जी वहाँ पे जितना भी पर्यटक जाता है, जी पर्यटक वहाँ पे मतलब एक जो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट है जी उसके अनुसार वहाँ पे अर्निंग सरकार को अर्निंग हो रही है। जी अभी देखिए 1,000 करोड़ रुपया कुंभ में लग गया सरकार ने, इससे आम जनता को क्या लाभ हुआ, उससे क्या लाभ होने वाला है भविष्य में? तो ये तो जी एक जो दोहरी नीति है, जी ये दोहरी नीति ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। जी जनता जागरूक हो चुकी है, जी जनता सब जानती है जी कि किस समय पे जी क्या मतलब स्टेप लिया जा रहा है। जी आज माने न्यायालय जी का इलेक्शन आ गया, तो न्यायालय जी को भी मूर्ति लग गई है, दिखाई दे रही है, जबकि जी मूर्तियों लगे को कितने दिन हो गए हैं। जी ठीक है, तो ये तो सब जो ना चुनावी एक दौर है, चुनावी जी दौर में थोड़ा सा लोगों को भ्रमित करने का एक इनका षड्यंत्र है, जी जिस कारण से ये जो लोगों माहौल मतलब बिगाड़ने कोशिश करते हैं। जी मैं सोचता हूँ ऐसा कुछ होगा नहीं। ऐसा कुछ नहीं होगा। आपने हमारे साथ बी आर बॉ जी जो बहुजन समाज के दर्द को बहुत अच्छे से समझते हैं और उस फीलिंग्स को अच्छे से समझते हैं और हमेशा उन लोगों को समर्थन करते हैं जो बहुजन समाज की बात करते हैं। हमारे चैनल से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर आए, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैं आपका भी बहुत आभारी हूँ और विशेष का अंतिम आपको मतलब सबको बहुत 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 आभार व्यक्त करूँगा जी जिन्होंने तो हमारे को सुना। जी मैं एक पुनः फिर अपील करूँगा जी कि हम अपने लिए नहीं जी समाज के लिए जिए हैं, जी हमारे महापुरुषों ने हमें यही सिखाया है। जी देखिए, हम अगर बुद्ध के फॉलोअर हैं, जी हम यदि बाबा साहब के फॉलोअर हैं, हम यदि माननीय कासाराम साहब के फॉलोअर हैं, जी तो ये बातें हमारे व्यवहारिक व्यवहार से जी आम जनता को दिखनी चाहिए, जी किसी के बताने से नहीं, मंच के पर जाके भाषण देने से नहीं। जैसा कि अभी आप कह रहे थे आप मंच पर नहीं जाते हैं, जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं मंच पर नहीं जाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा कि आप देखिए कासाराम साहब ने कभी मुख्य मंच पर जाकर नहीं कहा। कासाराम साहब जो है झारखंड जैसे स्टेट के गांव गांव में गए हैं, जी गांव में जाकर उन्होंने रातें बिताई हैं। जी तो जब तक हम मतलब जो हमारा जो एक अंतिम क्षण का जो समाज है, जो बहुत ही वंचित है, जो बहुत उम्मीद से बैठा हुआ है, उसके बीच जब तक हम नहीं जाएंगे, जब तक हम उनके दर्द को अपना दर्द नहीं मानेंगे, तब तक हम समाज का भला नहीं कर सकते। और हम अगर उनके बीच ना जाएं, उनके दर्द को ना समझें, अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहें, तो ये समाज का धोखा है, अपने आप के साथ धोखा है। जी मैं पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा। जय हिंद। आपसे भी यार बहुत जी, आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छे की बात ही नहीं होती है, क्योंकि बहुजन समाज की बात है, अच्छी बुरी जैसे भी है आपके सामने है। ऐसे ही बहुत सारे चेहरों को जो हिडन रूप से वर्क करते हैं, ऐसे ही चेहरों को हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। अगले लाइव टेलीकास्ट तक हमारा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए जय भीम, नमो भक्त।